हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द म्यूजिकल हाउस पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही बात करेंगे कि नए सिंगर या जो भी सिंगर एल्बम करते हैं उनके गाने चलते क्यों नहीं हैं, आखिर वो वीडियो अच्छा करते हैं, ऑडियो अच्छा बनाते हैं, फिर भी उनके गाने नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसे सिंगर हैं, आप भी अपना ऑडियो वीडियो करते हैं, आप भी गाना अपना बनाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई कंपनी से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको बताऊँगा कि क्या कमी जाती है और कैसे आप करके उसके आप सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू, मैं ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेकर आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से सिंगर ऐसे होते हैं जो कि गाना तो करते हैं, लेकिन गाना करने से पहले दोस्तों देखिए, गाना तो इतनी छोटी चीज है नहीं, इतना हलवा तो है नहीं, बस बनाया पकाया और खा लिया। तो दोस्तों ऐसे तो होता नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत से सिंगर जो नए सिंगर आजकल के जो नए सिंगर आ रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं, उनके मन में यही चला कि हलवा है, बस बनाया और खा गया। तो दोस्तों, गाना बनाना छोटी चीज है, हो सकती है लेकिन बाद की चीज है, लेकिन अभी आपको क्या जरूरत है, अभी आपको जरूरत है उसको समझने के लिए। नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, ऐसे ही अपना गाने पे गाना करते रहेंगे और चलेगा नहीं। दोस्तों, हो सकता है गाना आपका चल जाए, अच्छी बात है, बहुत से नए सिंगर का गाना चल जाता है, लेकिन वो इत्तेफाक भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत से सिंगर होते हैं जो करते हैं, गाना करते हैं, वीडियो करते हैं, नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, कमी क्या है, कमी आइए जानते हैं कमी क्या है। दोस्तों देखिए, कमी कहां रह जाता है, देखिए बहुत से सिंगर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि स्टूडियो वाला मेरा गाना अच्छा नहीं बनाया। आपने भी सुना होगा, बहुत से नए सिंगर ऐसे कहते होंगे, लेकिन क्या इसका सही रीजन क्या है, क्या स्टूडियो वाला ही गलत था कि उस सिंगर में प्रॉब्लम थी? तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि स्टूडियो वाला जहां तक अपना बेस्ट हो जाए बेस्ट ही देगा, और वीडियो जो बनाने वाला होगा वो भी बेस्ट ही देगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि सिंगिंग में आपके प्रॉब्लम हो, आप अच्छा गा ना पाए हो कि ताकि आपका गाना अच्छा बन जाए। तो दोस्तों, जरूरत है आपको अपनी सिंगिंग को इंप्रूव करने का। अगर आप अपनी सिंगिंग इंप्रूव कर ले रहे हैं, अपना गाना आप अच्छा कर ले रहे हैं, अच्छा गाते हैं, तो वाकई में आपका गाना अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में यही शिकायत है कि आपका गाना अच्छा सुनने में नहीं लग रहा है, आपका गाना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो दोस्तों हो सकता है आपके गायकी में प्रॉब्लम हो। आप दोस्तों अपने गायकी को सुधार करिए, गाना सीखिए, और जो रियाज हो, पलटा जो अलंकार आप गाते हैं, जो भी रियाज प्रैक्टिस करते हैं उसको करिए दोस्तों, उसी से आपका गला सही होगा और आपका गाने में निखार आएगी। और दोस्तों, दूसरी कमी क्या रह जाती है जो इसका गाना नहीं हिट होता है? तो दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से सिंगर को देखा जो कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में किसी लोकल कंपनी से अपने गाना रिलीज करा लेते हैं, ऑडियो वीडियो ऐसे बनवा किसी भी कंपनी को दे देंगे, लीजिए मेरा रिलीज कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कभी कभी, हो सकता है आपका गाना अच्छा हो फिर भी आपका गाना ना चला, तो दोस्तों इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा, आपका गाना अच्छा है, वीडियो अच्छा है, तो दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि अच्छे चैनल से ही रिलीज हो, जिसके सब्सक्राइबर बेस बड़ा हो और जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, मिलने का चांस हो। और दोस्तों, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गाना टीवी पे भी चलवा सकते हैं। टीवी पे चलवाने के लिए मैंने इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको, कैसे आप अपने गाने को टीवी पे चलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ आप देखिए। तो दोस्तों, आपको ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ देखनी चाहिए, कैसे अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हैं लोगों के बीच में, कैसे आपका गाना लोगों तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है आपका गाना बहुत अच्छा हो फिर भी आपके गाना लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, तो इससे भी आपका लगता होगा कि आपका गाना अच्छा नहीं, आपका पैसा बेकार गया। तो इसीलिए आपको ये सब गलतियां नहीं करती। हाँ, लेकिन बहुत से सिंगर ऐसे होते हैं जिनका गाना वाकई में नहीं अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी उम्मीद लगाए रहते हैं अरे मेरा गाना चल जाएगा। तो आप अपने आप को जज करिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने आप को चीट मत करिए, धोखा मत दीजिए, आप अपने आप के साथ सही रहिए, आप अपने आप को जज करिए कि आप किस लेवल पे हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या करके क्या तरीका है, कैसे गाना बनाएंगे कि लोगों को अच्छा लगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी गाना किया, 10-15 गाना, 2-4 गाना कर लिए हैं, अगर आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं इसमें, फिर भी आपको रिस्पांस नहीं मिला है, तो आप बस स्टॉप करिए, कुछ दिन का, कुछ महीनों का समय लीजिए, आप वही समय वही पैसा अपने सीखने पे और अपने ऊपर मेहनत करने पे लगाइए। तो दोस्तों, फिर आप गाना करिएगा तो आप देखिएगा कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया होगा, फिर आप अच्छा गाना, अच्छा मैटर जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो उसको गाइए, फिर देखिए आपका हो सकता है रिस्पॉन्स मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि छोटा सा वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई बात आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछना ना भूलिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।